قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو، بحثیت مسلمان ہر انسان جو اللہ تے او دے رسول تے ایمان رکھ دے، ہر انسان دی خواہش اور تمنا ہے کہ میرے اعمال انہاں دا شمار انہاں عملاں وچ ہوئے جڑے اللہ قبول کر لیندے نے. رمضان دے روزے رکھدا ہے، رمضان وچ تراویاں پڑھدا ہے، صبح تو لے کے شام تک بھکھا رہندا ہے. ہر مسلمان دی خواہش اور تمنا ہے کہ جیڑا میں عمل کرنا، نمازاں پڑھنا، سال پچھوں زکات دینا، مال خرچ کرنا، اے کسے نہ کسے طریقے جے چند ٹکے ود بھی دینے پین تے قبول ہو جائے، ہر بندے دی خواہش ہے. ہن اعمال جڑے قبول ہون والے نے نا، انہاں وچ کردار بھی ساڈا اپنا ہے کہ جے تو مال خرچ کرنا ہے تے تد بھی، وقت خرچ کرنا ہے تے تد بھی، اپنی جسمانی پاور خرچ کرنا ہے تد بھی، او دے وچ کردار ساڈا اپنا ہے. کردار کس طرح؟ ہن جیڑا عمل بندہ کرن لگا ہے نا، سب تو پہلے ویکھنا کہ اے اخلاص تے وے کہ ریاکاری تے وے. جے تے اخلاص تے عمل کردا ہے ویا، تے پھر 100% تو بڑھ کے اللہ دی رحمت تو امید ہے کہ تیرا تھوڑا مال بھی اللہ تیری نجات دا ذریعہ بنا دیں گے. ہن اخلاص دا معنی مفہوم کی ہے؟ توجہ کرے آجے ذرا. اخلاص خالص چیز جیڑی ہے نا، جیڑی چیز نو ملاوٹ تو پاک کر دیتا جائے، جیڑی چیز ملاوٹ تو پاک ہو گئی اونو خالص آکھیا جاندا ہے. جیدے وچ توحید ہے نا، او دے وچ شرک دی ملاوٹ نہیں ہونی چاہی دی، اعمال نے او دے وچ ریاکاری نہیں ہونی چاہی دے.
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अमाल वेखने ने कसरत वेखनी, बोलो कसरत वेखनी। ए नहीं वेखना कि महीना इबादत कीती सो ते इन्हे हफ्ता इबादत कीती है लिहाजा महीने वाली इबादत कबूल करनी बनती है, नहीं, उस हफ्ते वाली ते महीने वाली इबादत में सिर्फ इखलास वेखिया जाएगा। आओ हजरा कुरान को लो पुछिए कि अल्लाह हुजूर जलाल केड़ी चीज मांगदे ने, कुरान ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जात पाक नो हुकम होया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान बना के नाजल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने लैयनाल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वला कियनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम दसना चाहते ने एक बंदा कुर्बानी खरीद के ले आंदा, एक बंदा दो तीन लाख रुपए का बच्छा खरीद, दो तीन लाख रुपए का ऊंट खरीद के ले आंदा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इस जानवर का सानू खून नहीं पहुंचता, अल्लाह एडा महंगा जानवर लह के आया वा, एडा खूबसूरत जानवर लब के ले आंदा, कामो क्यों नहीं लभ्या ते लोरों फड़ के ले आंदा, अल्लाह इन्नी मेहनत करके ले आंदा ते तुसी कह रहे हो ना इस जानवर दा सानू खून पहुंचदा, ना इस जानवर दा सानू गोशत पहुंचदा है। अल्लाह लोग दुनियादार गोशत लैके राजी हो जाते ने, दुनियादारा नू ते सोहनिया सोहनिया बोटियां कट के देइए ना ते ओ बड़े खुश ते राजी रहिंदे ने। अल्लाह एडा खूबसूरत जानवर है तुसी किस तरह राजी होवोगे, क्या इस जानवर दा खून तुहानू राजी करन वास्ते काफी है, क्या इस जानवर दा सोना ते साफी गोश्त तुहानू राजी करन वास्ते काफी है। अरशां तो आवाज आंदी है ना एदा खून सानू चाहिदा, ना एदा गोश्त सानू चाहिदा, अल्लाह लैना की चाहते हो तलाश की कर दे हो। अल्लाह फरमांदे ने वाला की अनाल हो तकवा मिनकुम, असा तुआडे दिलां दा तकवा वेखना, असा तुआडे दिलां दा इखलास वेखना, असा तुआडे दिलां दा तकवा ते परहेजगारी वेखनी है। ते जे ते कुर्बानी कीती ओ लोगां नू दिखाण वास्ते, जे कुर्बानी कीती आ शरीकां नू दिखाण वास्ते, जे कुर्बानी कीती आ अजीजां नू दिखाण वास्ते, जे कुर्बानी कीती आ हल्ले बेच वाह वाह करान वास्ते, फिर सोने आ तेरी कुर्बानी दा फायदा ही कोई नहीं। ते जे तू 50-60 हजार दा बकरा ले आके ओदे ते तकबीर फेरना इखलास नाल, तकबीर फेरना दिल बेच रब दा तकवा रख के, अल्लाह फरमांदे ने तेरी इस कुर्बानी नू असा कबूल फरमा लिया है। मेन शर्त जेड़ी है ना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इखलास नो बनाया, मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम ते कुरान उतर दे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने लोगां नू तलकीन कीती है मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दी जात गिरामी। हुण दुनिया दे अंदर असी अपना मुआशरा वेख लईए, असी हर चीज खालस लभने आ, ए जनाब दुध मिलदा खालस मिलना चाहिए, हुण ते दोधिया ने भी अपना रवैया चेंज कर लिया, जी खालस लैना जे ते 250 रुपए किलो, जे मिलावट आला लैना ते फिर 200 रुपए किलो, दस के मिलावट वाला लैना जे ते 200 का मिलेगा, जे ते खालस लैना
फिर 250 का मिलेगा। असी दुनिया के अंदर एक चीज खरीदन वास्ते 50-60 दुकाना ते चक्कर लाने, कोई उधरों फोन कर दे जी साढ़े को चीज सस्ती लभदी है ते ओरिजिनल लभदी है, असी खालस लभन वास्ते कई कई मील का सफर करने हैं। ए जनाब असा दीन लभना ते खालस लभना, हुण ते लोगों ने दीन विच भी मिलावट शुरू कर दी है। ओ यार मैं रब दा वास्ता दे के कहना चाहवांगा, लोगों तो लो चीजा मंगना ते खालस मंगना, कदी लोगों को लो चीजा मंगना ए जनाब फलानी चीज चाहिए ते खालस मिल जाए, खुदा दा वास्ता दे के कहना चाहवांगा कदी दीन भी खालस लभन की कोशिश करया कर। एक खतीब दी गल समझ नहीं आई, आप उताला कर ले, कोई 5-10 मस्जिदों में चक्कर लगा के ते वेखना कोई की मौकफ पेश कर दे, कोई अपनी राय पेश कर दे कि नहीं, कौन कुरान ते हदीस की गल कर दे, कौन अपने पीरां की गल कर दे। खुदारा आप चक्कर लगा के तहकीक करया करो, दीन खालस लभन की कोशिश करया करो। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जाते गिरामी, महबूब अली सलातु वसलाम दा फरमान गिरामी। आप फरमांदे ने इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरकुम व अमवालकुम, अल्लाह जुल जलाल तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अनहो इस रिवायत दे रावी ने फरमांदे ने इन्नल्लाह, रसूल अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरकुम व अमवालकुम, अल्लाह जुल जलाल तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदे, अल्लाह तुहाडा हुसन नहीं वेंदे। फला बंदा इन्ना खूबसूरत है, फला बंदा बड़ा हुसनो जमाल दा पै कर, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरकुम व अमवालकुम, अल्लाह तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदे, अल्लाह तुहाडा खूबसूरत चेहरा नहीं वेंदे। ओए खूबसूरत वेखनी होवे, खूबसूरती वेखनी हुंदी ते अबू लाब नालो कौन खूबसूरत सी, अबू लाब बड़ा ही खूबसूरत सी, नावे दा असल विच अब्दुल उज़्ज़ा ते अबू लाब दी कुनियत पईए दे चेहरे दी वजह तो, लहब दा माना शोला, अबू लाब नूं आखिया जांदा चेहरा एंड शोले दी तरह भड़कदा हुंदा। अबू लाब किड्डा खूबसूरत, किस्मतां सौ गईयां, नसीबा ने याहवरी नहीं कीती, नबी पाक अली सलातो व सलाम दा ना फरमान अल्लाह जुल जलाल ने जहन्नम ठिकाना बना देता है। और निरा खूबसूरत नहीं, नबी अली सलातो व सलाम दा गुआंडी भी है, नबी दी ते एदे घर दी दीवार सांझी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दीवार सांझी नहीं, मेरे महबूब दा सका चाचा है। ओए अबू लाब किड्डा खूबसूरत, एदी खूबसूरती दा मुल नहीं पिया, ते कित्थों हबशे तो चलदा बिलाल आया, मोटे मोटे होंठां वाला घुंघराले दे वाल ने, इने नबी दे लड़ लगे अल्लाह ने इज्जत अता कर दितियां ने, नबी दे लड़ लगे अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने इज्जत अता कर दितियां ने। अबू लाब दी खूबसूरती दा कोई मुल नहीं पिया, और साहिबे दिल ताई ते आंदा उधरो हबशे तो बिलाल चल के आया, किते फारस तो सलमान चल के आए ने। फरमांदे ने लै गया नी जन्नत कौसर नारा, कह दो सुभान अल्लाह, एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह, लै गया नी जन्नत कौसर नारा, ओए दूरों आवन वाले बाद
नसीब नबी दे चाचे ओ रब ने दूर निकाले अरबों अजमों शाम इराकों अरबों अजमों शाम इराकों चानन गया अगेरे हुकम नबी दा मोड़न वाले ओ रह गए नी विच हनेरे मैं कुर्बान जावा नीयत गल मुकेगे इखलास वेख्या जाएगा उधरों हबशे तो बिलाल चल के आया काले जे रंग दा एदा रंग भी बड़ा काला बरीक बरीक पिंडलियां वाला बिलाल आके अपने आप नू महबूब दे दरे दौलत ते चुका दिता सो अल्लाह ने इनू बुलंद कर दिता है एदे पैरां दा खड़ाक अल्लाह दे जन्नतां विच आ रहे और फरमांदे ने सियाने आंदे ने नी मैनू फल बहुता लगदा ए गल हर कोई जाने उच्चे रुख सरू दे एवें ओ बिन फल रैन न माने समझन वाला किसे खाते नहीं आया और जिन्हें अपने आप नू चुका दिता नबी दे दरे दौलत अल्लाह जुल जलाल ने इज्जत नाल माला माल कर दिता आओ हजरा कुरान दा एक होर मुकाम वेखिए अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने कुरान नाजल फरमाया अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दी जात पाक ते कुरान नाजल हो रहे हैं ए सपारा ते ही है ते सूरत दा नाम सूरा जुमर है सपारा इकिया जे जरा गौर कर दे जाया जे मेरे पाक पैगंबर ली सलात व सलाम दी जात गिरामी में कुरान ऐलान कर रहे हैं अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अन्ज़लना इलैकल किताब बिल हक फ़ाबुदिल्लाह मुख़लिसल लहुद्दीन अलालिल्लाहि दीनुल खालिस मेरे पाक पैगंबर सलातु वसलाम ते कुरान नाजल होया अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी किताब असा नाजल फरमाई है जेड़ी हक ते सच वाली किताब नाजल फरमाई है ओए इबादत करनी है किदी बोलो की दी ओ तुसी सारे वाबी और परेशान नहीं हो ना इबादत की दी करनी है अल्लाह दी इबादत करनी है फाबुदिल्लाह मुखलिसल्लाहुद्दीन जेड़ा दीन नाजल होया ना अल्लाह फरमांदे ने ए दीन असा खालिस नाजल कीता है असा दीन खालिस नाजल कीता ओ इत्थे ते गल्लां ही सारियां मुक जांदियां ने कोई आके आखे असी अपने पीर दी गल सुनाने आ ओए तू अपने पीर दियां गल्लां सुनाना साडे कोलो रब दा कुरान आके सुन लै असी ते गल कुरान दी करने आ और बंदा कामयाबी चाहे खालस दीन ना अगर इंसान लभना चाहे ओ दो चीजा तो खालस दीन मिलेगा मेरी गल नो नोट करके ले जाया जे दो चीजा तो खालस दीन मिलेगा एक रब दा कुरान दूसरा मुस्तफा दा फरमान है।
इन्हां दो चीजां तो लांबे चांबे जाएगा तेनू खालस दीन नहीं मिलेगा। खालस दीन मिलेगा मुस्तफा दे फरमान तो मिलेगा, अल्लाह दे कुरान तो मिलेगा। मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अली सलात व सलाम ते कुरान नाजल होया। एक होर मुकाम जरा सिमाल फरमाना, असी आने जी अल्लाह साडियां पुकारा नहीं सुनदा, अल्लाह साडियां गल्ला नहीं सुनदा। मेरे पाक पैगंबर अली सलात व सलाम ते अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दा कुरान नाजल होया। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम फरमा देने जो तो मुनाफक ते मुशरक ना अपने रब न पुकार देने, अपने रब न फरियादा कर देने। ते कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिचया। अल्लाह फरमा देने ए लोग जदो कश्तियां विच बहंदे ने काफर ते मुशरक ना सफर करने वास्ते दरियावां विच निकलदे, सफर करने वास्ते ए जनाब समुद्रां विच निकलदे, अपनियां कश्तियां तैयार कर देने। बड़ियां बड़ियां आला आला कश्तियां ने ए उन्हां विच बड़े ने हिमाक नाल ते सुकून नाल सफर कर देने। ते जदों हवाई बेड़ा आंदा, जदों हवा दा चौंका आंदा, जदों दरियावां विच जुंबश पैदा हुंदी है, जदों पानी हरकत करदा, फिर ए अपने रब नूं पुकार देने, अल्लाह जुल जलाल नूं पुकार देने। और जदों फतह मक्का होया ना, अबू जाल दा बेटा इकरमा, ओ इत्थे गल नोट करन वाली जे, जिड्डा वड्डा मुखालफ अबू जाल नबी दा, उतना ही प्यारा सहाबी अल्लाह ने इकरमा नू नबी पाक दा बना दिता है। जिड्डा वड्डा मुखालिफ अबू जहल, ओदे पुत्र नू ओनी दीन दी समझ, अल्लाह सुल जलाल ने नबी दा खान दे बना दिता है। मैं कुर्बान जावा सफर करता हुआ ते जदो इस बेड़े दे अंदर पानी विच जुंबश पैदा होए ना, ते ए सारे पुकार देने किन्नू किन्नू अल्लाह जुल जलाल नू पुकार देने। इकरमा ने सोचिया ओए उथे भी यही सुनदा आया, इथे आके भी यही गल्ला होण डईयां ने। ते एक हदीस लिखी है, मैं किताब जो पढ़िया कि ओना ना तफसीर करदियां लिखिया कि जदो हवा आंदी ना कश्ती जदो घूमन घेरिया विच पै जांदी ते मुखालफत की करदे ने, जेड़े बोते रखे होंदे ना उनू पानी विच फटाफट सुट देंदे, जल्दी जल्दी पानी विच सुट देंदे। ते अल्लाह जुल जलाल वाली कराम नू पुकारना शुरू कर देंदे। उन्हां नू पता है ना इत्थे भी काम आना है, ते अर्श वाले रब दी जात ने आना। ओए मुशरक भी इखलास नाल अल्लाह नू पुकारे, अल्लाह जुल जलाल दियां फरियादां जरूर सुनदे ने। ते इकरमा ने सोचिया ओए इसे ही लड़ाई तो भजदा ते मैं जान डिया वा, इत्थे भी उसे ही रब नू पुकार देने। खैर वापस आके इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे पाक पैगंबर अली सलात व सलाम दी जात गिरामी, महबूब अली सलात व सलाम दे परवानिया ने मनिया ते मनन दा हक अदा कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर अली सलात व सलाम दी जात गिरामी, हुन जदो एक गल दी तस्दीक कुरान ने कर दिती है ना कि मुशरक फस जाते मुसीबत में आ जाते, तो फिर बचन तो बाद शिरक वाल आ जाते। हुन ओ 1400 साल पहला दे जेड़े मुशरक सन ना, फर्क वेखे आ जे 1400 साल पहला दे जेड़े मुशरक सन, मुसीबत आ जाती तकलीफ आ गई है जान ते बन गई है, ते फिर भी अल्लाह जुल जलाल नू पुकार देने। अजकल दे बद नसीब मुशरक जेड़े ने मरण ते भी आ जान ते फिर भी गौस पाक नू पुकार देने, और गौस पाक कोलो मदद मंग देने। कोई आली मदद कह रहे हैं, ओ यार वलियां दी करामत दे असी कायल हैं, वलियां दी जुतियां दी खाक साड़ियां अखां दा सुरमा, लेकिन अल्लाह जुल जलाल
दी कसम है, आसमान दे नीले छातल जमीन दे सीने ते तेरिया मुश्किलां कोई वली हल नहीं कर सकदा, तेरिया मुश्किलां कोई मौलवी हल नहीं कर सकदा। ओ यार तेरिया मुश्किलां हल कर सकदा है ते कल्ला अर्श वाला रब भी कर सकदा है। तेरिया मुश्किलां हल करन वाली जात अल्लाह जुल जलाल दी है। मैं कुर्बान जावा जे मुशरक नू अल्लाह निजात दे सकदे ने, असी ते फिर भी नबी दा कलमा पढ़न वाले हां, असी ते फिर भी अपने आप नू मोमिन कहलाने वाले हां, असी ते फिर भी अपने आप नू नबी दा उम्मती कहलाने हां। ओए साडी गल साडा इतराज है वे के रब साडियां गल्लां नहीं सुनदा, साडा इतराज है वे साडा उलामा रब दे जिम्मे है वे रब साडियां दुआवां नहीं सुनदा। कई कई साल हो गए ने दुआवां करदे आं, ओए सोने दुआवां करदा होएगा लेकिन तेरिया दुआवां विच नजर मार के वेखा किते इखलास दी कमी ते नहीं रह गए। मैं कुर्बान जावां असी वेखिए ना क्या रमजानुल मुबारक ता की इखलास महदूद है, क्या सिर्फ रमजान का महीना आए ते इखलास नाल नेकियां करनी है, रमजान का महीना आए ते इखलास नाल तावन करना है, रमजान का महीना आए ते लोगां नाल तावन करना है। ओए सोने ओ आम दिन अंदर भी इखलास नाल कुरान पढ़ लै, आम दिन अंदर भी इखलास नाल इबादत कर लै, तेरी इबादत अंदर सिर्फ इखलास दी कमी है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल अली सलात वसलाम दी जाते गिरामी महबूब दा इखलास वेखिए साडे वास्ते नबी पाक दी जात नमूना है। मेरे पाक पैगंबर अली सलात वसलाम दी जात पाक दा इखलास वेखिए जगां दे पीर अली सलात वसलाम दी जाते गिरामी हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी जाते गिरामी फरमांदे ने एक दिन ना नबी अली सलात वसलाम नमाज पढ़ देने पै ते मैं जाके ना नबी अली सलाम दे नाल खड़ा हो गया। नीयत की है ज़ेन की है महबूब दे नाल नमाज पढ़ लवा ते आके ना खड़े हो गए ते बयान कर देने नबी अली सलाम सूरत बकरा पढ़ देने पै पहली रकत दे अंदर सूरत बकरा पढ़ देने पै फिर आले इमरान शुरू कर दीती है। मैं सोचिया सूरत बकरा ढाइया सपारिया दी सूरत बकरा है ते फरमांदे ने इन्नी लम्मी ने बाद सूरत बकरा खत्म हुई ना ते सूरत आले इमरान शुरू कर दीती। साढ़े इत्थे वेखन विच भी आया सुनन विच भी आया इमाम साहब तरावियां विच कोई डेढ़ दो सुभारे पढ़ देना ते नमाजी उलामा देना शुरू कर देने जी हूं ही पढ़ना आया सारा। नबी अली सलाम दी जाते गिरामी फरमान देने आले इमरान शुरू कर दीती है, सूरत आले इमरान खत्म कीती ते सूरत निसा शुरू कर दीती है। सुभान अल्लाह नबी अली सलात वसलाम दियां इबादतां विच इखलास वेखो ना महबूब अली सलाम दी जाते गिरामी। आप अली सलात वसलाम ने कयाम लंबा फरमाया फिर रुकू भी उस हिसाब न लंबा कीता फिर सजदा भी उस हिसाब न लंबा फरमाया। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी जोजा मोहतरमा माँ जी आयशा सिद्दीका तैय बात ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने कायनात दे इमाम अली सलाम मुसल्ले ते खड़े हुंदे ना महबूब इतना लंबा कयाम कर दे महबूब दे पैरां ते वरम पै जाया कर दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी जाते गिरामी और ऐस उम्मत वास्ते महबूब दुआवां कर दे ने ऐस
उम्मत वास्ते रब कोलो इल्तिजावा कर देने, ऐस उम्मत नू बख्शवान वास्ते अपने रब नाल ताल्लुक जोड़ देने। उम्मत दी फिकर लगी है और जिथे सारिया नू फिकर लगी है रब नफसी, उथे महबूब दा तराना ए होना रब उम्मती रब उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत नू मुआफ कर दे, मैं कुर्बान जावा। कितना प्यारा अंदाज है, कदी मंग दे दुआवा बह के यारां दे विच, कदी मंग दे दुआवा महबूब दी जाते ग्रामे, कदी मंग दे दुआवा बह के यारां दे विच, कदी रोंदे गले जा के गारां दे विच। कितना एहसास उम्मत दा सी पीर नू, कितना एहसास उम्मत दा सी पीर नू, सारी उम्र एदा रब नू मनाउंदा गया। जेड़े कोला गए ओ सहाबा बने, जेड़े कोला गए ओ सहाबा बने, टिकट जन्नत दे सोना अताउंदा गया। अल्लाह अल्लाह नबी साडे दा हौसला, अल्लाह अल्लाह नबी साडे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कराउंदा रिया। मेरे महबूब अली सलाम दी जाते ग्रामे, जगां दे पीर अली सलात व सलाम ने उम्मत नू दरस दिता। महबूब अली सलात व सलाम ने उम्मत नू पैगाम ए दिता, अपनिया इबादतां नू खालिस अल्लाह जुल जलाल वास्ते कर लैन, अपनिया इबादतां नू अल्लाह जुल जलाल वास्ते खालिस कर लैन। महबूब अली सलाम दी जाते ग्रामे आप फरमांदे ने, दुनिया ते कई लोग ऐसे ने, दुनिया ते जेड़े इबादतां करदे ने, रोजे रखदे ने, सदका तो खैरात करदे ने, उन्हां दी नीयत है फलाना महल्लेदार राजी होना चाहिदा, उन्हां दी नीयत है फलां चौरी साहब राजी होने चाहिदे ने, उन्हां दी नीयत है फलाना एमपीए राजी हो जाए, उन्हां दी नीयत है फलाना एमएनए राजी हो जाए। ओ लोग दुनिया ते नमाज़ां पढ़दे ने, कोई नमाज पढ़दा है पिया दिखलावे वास्ते, सोच की है लोग वेखणगे ते मैनू हाजी साहब आखणगे, लोग वेखणगे ते मैनू नमाज़ी आखणगे। ओए बड़े बड़े लम्मे सजदे करदा, बड़े बड़े लम्मे रुकू करदा, बड़े बड़े लम्मे क्याम करदा, कई वेखदे ने जी मैं सदका करांगा, फलां बंदे नूं पैसे देहांगा, जी तस्वीरां खिचाईयां जा रही ने, पता लगे हाजी साहब ने इन्ने लख रुपया मसीते दे दिता, पता लगे चोरी साहब ने इन्ने लख रुपया मसीते दिता। पाक पैगंबर अली सलाम दी जाते ग्रामी आप दा फरमाने ग्रामी दरा नोट करे आज, कायनात दे इमाम अली सलाम फरमांदे ने, अल्लाह जुल जलाल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह जुल जलाल अपनी पिंडली नंगी करनगे ते लोग अल्लाह दे सामने सजदा रेज होणगे। अल्लाह जुल जलाल दे सामने मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां अल्लाह दे सामने सजदा रेज हो गईयां ने, ते कई बदनसीब ऐसे ने जेड़े सजदा करना चाहणगे, इन्हां दीआं कमरां नूं तख्ता बना दिता जाएगा। हाय अल्लाह मेरी तौबा, इन्हां दीआं कमरां नूं अल्लाह जुल जलाल तख्ता बना देणगे, इस झुकना चाहणगे ते झुक नहीं सकणगे।
ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਬਦ ਨਸੀਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਓਏ ਜਾਓ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਜਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਣਗੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਜਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਖੁਦ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲੀ ਕਰਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਓ ਮੇਰੂ ਇਲਾ ਲਿਆਬੁਦੁੱਲਾਹ ਮੁਖਲਸੀਨ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲੀ ਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਜਮਘਟ ਹੈ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਦਰਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਓਏ ਫਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਓਏ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਫਲਾਣੀ ਕੀਤੀ ਫਲਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਓ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲ ਬਮੰਜ਼ਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਸਾਹ ਸੂ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰਿੜਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹਿਲਾਇਆ ਪੱਥਰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਣ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
इंसान से वाला किन्ने को दिन चल सकदा ते अपने आप नु हुन मौत दे इंतजार विच बैठे ने। मौत आ जाएगी साडा खात्मा हो जाएगा, परेशानियां ने ते वादियां जा रहियां ने। हुन खान वास्ते शाय कोई नहीं रह गई, इन्नी हिम्मत नहीं कि इस पत्थर नु पीछे हटा सकिए। एक भी चो उठिया कह लगा ओ यार इन्नी हिम्मत हार गए हो, जिंदगी विच कोई ना कोई तो इंज दा अमल कीता ही होना ना, नेकियां होर भी करने आ, ते कोई ऐसी नेकी ते कीती होएगी के जिदा अल्लाह नू वास्ता देखे अपनी इस मुश्किल नू हल करवा दिता जावे। मैं कुर्बान जावा वाकया उना लोगां दा दरस नबी अपनी उम्मत नू दे रहे ने। ओए कामों की वालियो इरदा गिरतों वालियो किताबो सुन्नत दे परवाने हो, अल्लाह जुल जलाल बड़े ही रहीम करीम ने। असी साडे कोलो कमियां रह जांदियां ने, असी कदी किसे नू राजी करन टुर पैने आ, असी कदी किसे नू राजी करन टुर पैने आ, कमियां कुताइयां साडे कोलो हो जांदियां ने। अल्लाह सुल जलाल किसे दा अजर भी जाया नहीं कर दे। मैं कुर्बान जावा नबी उम्मत नू दरस दे रहा ने। हुन इन्हां तिन्हां विचों ना एक ने आख्या अपने नेक अमलां दा कोई नेकी ऐसी कीती होएगी अल्लाह कोलो दा वास्ता दे के दुआ करिए। अज रब दी रहमत दा इम्तिहान कर लेने आ, रब दी रहमत चेक करके वेख लेने आ। कुर्बान जावा एक बिच उठिया अल्लाह जुल जलाल दे सामने हाथ उठा लैने ते कायनात दे रब नू मुखातब करके आंदा, अल्लाह सोने आ मैं एक मजदूर दी मजदूरी रख लई सी, होया की सी? रब्बा सोने मैं एक मजदूर नू दिहाड़ी ते रख लिया, ओदे कोलो काम कार करवा के जदों उनू पैसे देन दी वाड़ी आई ना, ओ पैसे काम सन या ओदा मुतालबा सी के मैनू पैसे मेरी मजदूरी तो घट मिल देने वै। रब्बा सोनिया ओ नाराज होके चला गया ते मैं ओदे पैसे खादे नहीं, ओदे पैसे जाया नहीं कीते। अल्लाह सोनिया मैं ओदे नाल तिजारत शुरू कर दीती सी, ओदे पैसियां नाल मैं माल खरीदना शुरू कर दिता, ओदे पैसियां तो तिजारत करनी शुरू कर दिते। माल आंदा गया, दौलत आंदी गई, पेड़ बकरियां आंदियां रहियां, जानवर आंदे रह। रब्बा सोनिया फिर एक वक्त ऐसा भी आया, हालात दा सताया मजदूर मेरे कोल आया, हालात दा सताया मजदूर मेरे कोल वापस आया, आके कहन लगा वे अल्लाह वाले आ हालात बड़े बदल गए ने, मेरे ते कैत साली आ गई है, ते जेड़े पैसे मेरे तू देने ने चलो उन्हीं पैसे मैनू दे दे। दुआ फरमाओ अल्लाह किसे ते एहो जिहा वेला ना ले आवे, कैत साली आ गई है, लिया मैनू ओने कोई पैसे दे दे, मैं अपनियां जरूरतां नू पूरा कर लवा। रब्बा सोनिया मैं इंज इशारा कीता, मैं इनू आखिया ऐ बकरियां ते रेवड़ जेड़े ने ऐ सारी तेरी कमाई तो मैं बनाए ने, तिजारत करके सारा माल तेरी कमाई तो मुनाफा कमाया, ऐ पड़ सोटी ते ए सारा माल तेरा ही है, अगे ला के लह जा। ते गरीब बंदा कहन लगा ओए तू इन्ना मालदार होके मैं गरीब बंदे नाल मजाक क्यों करना है, ते मैं उन्हूं आख्या तेरे माल तो कमाया होया सारा पैसा जा माल ले जा, मैं तेरी कमाई तो सारा मुनाफा कमाया। ते ओ भी कोई सियाना ही जावदा से सारा माल अगे ला के लै गया, एक बकरी भी नहीं सो छड़े। अल्लाह सोनिया मैं उम्र भी खर्च कीती, पैसा भी खर्च कीता, अल्लाह मैं वक्त भी खर्च कीता, ओ एक पल दे अंदर सारी कमाई नाल लै गया।
रब्बा मैं सिर्फ तेनू राजी करने वास्ते उस मुलाजम नाल ऐने की कीती आ, दुआ करके फारग होया ना, ते पत्थर जरा हिलिया, पत्थर विच जरा जुंबश पैदा होए, आसरा हो गया, हौसला हो गया कि वाकई काम बन जाएगा, मैं कुर्बान जावा। दूसरा बंदा दुआ वास्ते आ गया, ते आके अपने मालिक दे सामने हाथ उठा लिया, सो ते आके आंदा रब्बा सोने तू जानना है, तू इस बात दा शाहिद है, मैं रात नू जदो वापस आंदा सारा दिन बकरियां चराहंदा रहिंदा, एक दिन ऐसा आया मैं जंगल विच दूर निकल गया, कोई लकड़ियां वगैरह इकट्ठियां करन वास्ते, रब्बा सोने रात नू आंदिया मैनू जरा लेट हो गई, मैं बकरियां दा दुध चोया, मेरे बुढ़े वालिदैन बिस्तर ते आराम कर देने वै, रब्बा सोनिया मैं उन्हां बुढ़िया नू उठाना गवारा नहीं कीता, किते मेरे वालदैन दी नींद ना खराब हो जाए, ओए कामोकी वाले ओ इरदा गिरतोन वाले ओ, असी वेखिए असी अपने वालदैन नाल की सलूक करने आ, जगां दे पीर अली सलाम दी जात ग्रामे आ फरमांदे ने अपने बुढ़े वालदैन दी खिदमत करिया करो, और एक हदीस दे अंदर मौजूद है जिस बद नसीब ने अपने बुढ़े वालदैन दा हया ना कीता, उन्हां दी खिदमत ना कीती, अल्लाह दी भी ओहदे ते लानत है, जिबरील दी भी ओहदे ते लानत है, ते मुस्तफा ने आमीन आखिया सी, मैं मुहम्मद दी भी ओहदे ते लानत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात इमाम अली सलात व सलाम फरमांदे ने ओ बंदा अल्लाह कोलो दुआ करदा है वे आ, अल्लाह सोनिया मैं अपने वालदैन नू जगाया कोई नहीं, मैं सारी रात इंतजार कीता, मेरे बच्चे मेरे पैरां विच रोंदे सो गया, मेरी बीवी मेरे तरले कर दी सो गई, ओए बच्चे भुखे ने इन्हां नू दो घुट दुध दे पिया दे, अल्लाह मैं कानून बनाया सी मेरे वालदैन तो पहले मेरे बच्चे दुध नहीं पी सकते, मेरे बच्चे मेरे पैरां विच रोंदे सो गया, रब्बा सोनिया जदो उठे मैं उन्हां नू दुध पेश कीता, मैनू अपने वालदैन तो कोई माल दी उम्मीद नहीं, मैनू अपने वालदैन तो कोई पैसे दा लालच भी नहीं से, मैनू अपने वालदैन तो कोई माल दा लालच भी नहीं से, अरशा वाले आ रब्बा मैं तेरी जात दी रजा दी खातर ए अमल कीता है, ते जदो दुआ करके फारग होया ना, ते पत्थर जरा होर पिछा हट गया, आस उम्मीद बन गई है, अजे लंघन दा रस्ता नहीं बनया, ते तीसरे ने आके अल्लाह दे सामने हाथ उठा लैने, अल्लाह सोनिया तू जानना है, तू गवाह है, मेरी एक चचा जाद भैन सी, ते ओ बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील से, अल्लाह सोनिया मैं ओदे नाल बुराई दा इरादा कर लिया, मैं ओदे नाल बरदगारी दा इरादा कर लिया, मैं ओदे ते अपनी नफसानी ख्वाहिशात मेरे ते गालब आ गए, ओनू 120 दिरम दिनार दी जरूरत से, अल्लाह मेरा ओदे नाल सौदा तय हो गया, ओ हालात दी सताए, ओ हालात दी मजबूर औरत मेरे दर ते आ गई, अल्लाह सोनिया मैं ओनू 120 दिरम दे दिते, बुराई दा इरादा करके टाइम तय हो गया, कमरे विच असी जमा हो गए, ते इस औरत ने मैनू आखिया ओ अल्लाह वाले आ, अल्लाह कोलो डर जा, केड़े अमल करन लगा, अल्लाह कोलो डर जा, किते जहन्नम दा बालन ना बन जाइए, ते ए नौजवान कहन लगा अल्लाह मैं तेरी रजा वास्ते अपनी ख्वाहिश ते कंट्रोल कीता, मैं तेरी रजा वास्ते अपनी नफसानी ख्वाहिशात कंट्रोल कीता, ओए कामोकी वाले बड़ी गल है, बड़े हौसले वाली गल है, सारी जिंदगी दी जमा पूंजी किसे दे अगे ला के टोर देने बड़ी वड्डी गल है, सारी रात अपने वालदैन वास्ते खड़िया होना बड़ी वड्डी गल है, अपने नफ्स ते कंट्रोल करना, नबी अली सलाम ने फरमाया सब तो बड़ा जिहाद है बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात ते कंट्रोल कर ले, बंदा अपने नफ्स ते कंट्रोल कर,
कर ले। बड़ी वड्डी गल ए, दुआ करके फारग होए, अल्लाह ने मुसीबत तो निजात अता कर दिती है। अल्लाह जुल जलाल ने मुसीबत तो निजात अता कर दिती है। नबी अली सलाम दरसे देना चाहते ने, ओए मेरी उम्मत दे लोगो, सिर्फ इखलास की कमी है। अपनिया दुआवां ते इबादत दे अंदर इखलास नू शामिल कर ले। अल्लाह जुल जलाल दी रजा दी खातर अपनी जिंदगी गुजार दईए। अर्श वाले रब नू राजी करने वास्ते अपनी जिंदगी गुजार दईए। ओए ठीक है, दुनिया दे मामलात भी हुंदे ने, ठीक है तेरे रिश्तेदार भी होणगे, ठीक है तेरी अजीज़ो अकारब तेरी बरादरी भी है। ओ यार लेकिन गल ए वे के लोग अपना आप फायदा वेंदे ने, असी फायदा वेखिए असी दुनिया ते की करने आवै, असी फायदा वेखिए असी दुनिया ते किन्नियां कु नेकियां कमा रहे आ। ओ दुनिया दी जिंदगी ते आरजी जिंदगी है, दुनिया दी जिंदगी ते आरजी है। इस दुनिया ते अगर अमल चंगे कर जाएगा, कल के आमद वाले दिन अर्श वाले रब दे दरबार अंदर सुरखरू हो जाएगा। दुनिया ते अमल नेक कर लवेगा, अहकमुल हाकमीन दे दरबार अंदर इज्जत पा जाएगा। हुण वेख लईए, मैं भी ते तुसी भी अपने गिरेबान दे अंदर झांक के वेख लईए। रमजान उल मुबारक गुजर गया, अल्लाह साढ़े सारिया दियां इबादतां नूं कबूल फरमा लवे। हुण रमजान लंघ गया ना, ते हुण अपने आप नूं वेखना, जिवें रमजान विच रूटीन बरकरार से, जिवें रमजान विच रूटीन चलदी सी वे। हुण जदों एक गल ते पक्की है, इंसान औखा सौखा होके रूटीन एक बारी बन जाए ना, ते बाद चो गल सिर्फ नीयत दी रह जांदी। बाद विच गल सिर्फ नीयत दी हुंदी है। रूटीन ते 30 दिन जेड़ा बंदा सुबह सहरी टाइम उठदा, फिर रात नूं नमाज़ां पढ़दा, तरावियां पढ़दा, रूटीन ते आपे ही बन जांदी है। बाद में गल सिर्फ नीयत ही रह जाती है। दुआ फरमाओ अल्लाह साड़ियाँ नीयतां बेहतर कर दे, अपनियां नीयतां नूं अल्लाह जुल जलाल दे वास्ते ताबे कर लईए, उदे वास्ते खालिस कर लईए। अल्लाह सानू दुनिया ते भी इज्जत अता करनगे, कल क्यामत वाले दिन भी अल्लाह जुल जलाल इज्जत अजमत नाल हमकिनार फरमानगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारिआं नू कुरान और सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। सदक अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين।